यह वीडियो महिला पर्यवेक्षक वालों के लिए है जिसमें कल इसका एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग अंतिम दांव के साथ खेल कर जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बिल्कुल बनेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को एक ही बार लाइक करना है ना, उसको दो बार लाइक नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कई बच्चे कल पूछे थे कि सर वीडियो को दो बार लाइक करना है, तो मैं उसको हजार बार कहूँगा कि उसको सिर्फ एक ही बार लाइक करना है वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले आज हम महिला पर्यवेक्षक में जो हम क्लास करेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है आपका पासे से, तो पासे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको समझ के जाइएगा। पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, व्यापम का, पीएससी का, वहां से अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो आपका कोई भी एग्जाम हो आप पासे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पासे का। तो पासे आपको कितने प्रकार के होते हैं? पासे में आपका छह फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? छह फलक होते हैं, ठीक है। पासे में कितने फलक होते हैं? तो छह फलक होते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार का पासा दिया रहता है, आप सभी को मालूम होगा, ये जो पासा दिया रहता है यहां से एक दो तीन। तो यहां से देखिए एक दो तीन, इस प्रकार का पासा दिया रहेगा, या फिर इस प्रकार का पासा दिया रहेगा, इसको देखिए समझिएगा, ये इस प्रकार का पासा दिया रहता है ना, ये आपका इस प्रकार का पासा दिया रहता है। देखिए एक दो तीन चार, ये आपका एक दो तीन चार पांच छह, यानी कि पासे में छह फलक होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये डायग्राम आपने समझ लिया तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और पासा हम गिन लेते हैं, एक और पासा बनाते हैं। देखिए ये आपका पासा बन गया एक दो तीन, उसी प्रकार इस प्रकार, एक मिनट ना, ये छोटा हो गया है, इस प्रकार का एक और इस प्रकार का पासा दिया रहेगा एक दो तीन, या फिर इसको लंबा दिया रहता है, ठीक है। एक और यहां पर देख लेते हैं, ये वाला पासा एक दो तीन, या फिर यहां से एक और ऐसा बन सकता है, ये वाला एक तीन। तो देखिए पासा इस प्रकार का क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो कोई भी एग्जाम हो आपका ऐसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसमें कई प्रकार के काउंटिंग दिया रहता है, जैसे ए बी सी, या फिर एक दो तीन, या फिर बिंदु वाला दिया रहता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिएगा कुछ भी दे दिया एक दो तीन चार पांच छह, तो इसमें विपरीत फलक पूछा जाता है। कोई भी अगर पासा दिया रहता है तो उसके विपरीत, जैसे कि क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित में से इसका विपरीत बताइएगा, यानी कि मान लीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्नलिखित में से अगर तीन का विपरीत बताइएगा इसका कौन सा होगा, या फिर चार का विपरीत बताइएगा, या फिर छह का विपरीत बताइएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में पूछता है। और महिला पर्यवेक्षक में दो से तीन नंबर के प्रश्न आपके पासे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपने समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लेंगे। आपको हम क्वेश्चन बताएंगे एक दो क्वेश्चन, और उसके बाद आप लोग खुद सॉल्व करना, ठीक है। कल आप लोगों का एग्जाम है तो एक बार वीडियो को देख लीजिएगा जो महिला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो देखिए अब मान लीजिएगा एक दो तीन ले लिए, अब वहां पर ए बी सी लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, यहां तक ले लिए, या फिर कौन इस प्रकार भी ले सकते हैं एक दो तीन, या फिर ये चार, या फिर ये इस प्रकार बिंदु वाला पांच एक दो तीन, एक दो तीन, ये छह इस प्रकार भी ले सकते हैं, या फिर त्रिभुज ले सकते हैं, ये त्रिभुज ले लिया, या फिर डब्बा वाला ले लिया, या फिर स्टार वाला ले लिया, है ना, या फिर गोला वाला ले लिया, या फिर ये वाला ले सकते हैं, त्रिभुज कुछ भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी आपको ऑप्शन में दे दिया रहेगा। बस आपको समझना है, अगर ये ट्रिक समझ लिया तो कोई भी आप यहाँ पर बिंदु वाला दे, एबीसीडी वाला दे, या फिर ये काउंटिंग वाला दे, या फिर ये चित्र डायग्राम वाला दे, आप समझ लिए ना तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम काउंटिंग आपको गिनना सिखाएंगे, समझना सिखाएंगे। तो चलिए अगर देखिए इसको गिनते कहते हैं तो हमेशा याद रखना तीन, हमेशा तीन का टारगेट दिया रहता है। इधर देखिए एक दो तीन, तो इधर पर तीन का टारगेट दिया रहेगा,
उसी प्रकार इनका भी तीन का टारगेट। अब कैसे गिनना कैसे, तो यहाँ से आपको ऐसे नहीं गिनना है, तो सबसे पहले देखिए जो बनता है ना बीस, यहाँ से ये आपको गिनना सीखना होगा, फिर यहाँ से कौन सा बन रहा है ये वाला आपको गिनना सीखना होगा, फिर ये आपका यहाँ से बनेगा। अगर देखिए काउंटिंग आपको समझना है ना, गिनना कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, फिर आप कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको इस प्रकार बनाते हैं। अब देखिए एक का विपरीत कौन सा होगा, तो देखिए अगर पूछ ले एक का विपरीत कौन सा होगा आता आपका तीन, अगर चार का विपरीत पूछा जाए तो छह। अभी देखिए अब कौन सा वाला बच रहा है, ये दो वाला, और कौन सा बच रहा है पांच वाला, तो दो का विपरीत कौन सा हो जाएगा आपका पांच, है ना। अब इसमें पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि तीन का विपरीत कौन सा होगा, तो आप यहां पर देख के बता देंगे कि तीन का विपरीत कौन सा होगा आपका एक। अगर चार का विपरीत पूछा जाए तो कौन सा होगा छह, अगर यहां पर दो का विपरीत पूछा जाएगा तो पांच। उसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, अगर बी का विपरीत पूछा जाएगा तो डी, तो बी का अगर विपरीत पूछा जाएगा क्या आ जाएगा डी। आप देखिए यहाँ सी का विपरीत क्या आ जाएगा, सी का विपरीत आपका ई, ए का विपरीत यहाँ पर देखिए, ये तो बिल्कुल अगर आपको समझ पा रहे होंगे यहाँ से आपका ये इधर से डायग्राम बनेगा तो ये आपका आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए का विपरीत कौन सा हो जाएगा ए। चलिए अब इनका देखते हैं, तो आपको आसानी समझ में आ रहा होगा यहाँ से नहीं बनेगा, ये आपका देखिए एक का तीन जा रहा है तो यहाँ से बना लेते हैं एक का विपरीत कौन सा होगा तीन। अब देखिए अब इसको नहीं गिनना यहाँ से, अब यहाँ से गिनना है ये वाला, तो चार का विपरीत कितना हो जाएगा छह। अब देखिए ये दो वाला दिख रहा है, कौन सा वाला दिख रहा है बच रहा है आपका पांच, तो यहां से चलिए इसको देख लेते दो का विपरीत पांच, मतलब ऐसा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग सॉल्व कर लोगे। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, तो इनका विपरीत कौन सा हो जाएगा ये वाला आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए का स्टार आ जाएगा। अब ये डब्बा वाला का देखते हैं तो डब्बा वाला नहीं बनेगा, फिर यहां से इसको देखते हैं ये बनेगा तो गोला का आ जाएगा, गोला का क्या होगा आपका स्टार ये वाला होगा, ये आपका त्रिकोण स्टार था ये स्टार वाला हो गया। अब कौन सा बच रहा है ये वाला ऑप्शन त्रिभुज वाला और ये डब्बा वाला, तो क्या है आपका ये आपका डब्बा बन गया और ये आपका इस प्रकार का बन गया, ये आपका विपरीत वाले हैं। अगर क्वेश्चन में विपरीत वाला सवाल आता है ना तब दो नंबर ऐसे ही बना के आ जाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, व्यापम हो, पीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, है ना, कोई भी एग्जाम हो अगर ये पासे से क्वेश्चन समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन हो आप बना लेंगे। और खास तौर पर यह वीडियो जो हम लेकर आए हैं ना महिला पर्यवेक्षक वालों के लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो वीडियो को एक बार लाइक करना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जो महिला पर्यवेक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कल उसका एग्जाम होने वाला है, तो आप सभी को मेरे तरफ से बेस्ट प्लक। और इस पासे से क्वेश्चन जरूर बना के आना है, छोड़ना नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, समझ के जाना है अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना। अगर आपको पासे से समझना कोई भी जैसे अगर डायग्राम आपको बनाना नहीं आता है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए हम पहले क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है, फिर आप समझिएगा। चलिए यह प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, आपके महिला पर्यवेक्षक और व्यापम के क्वेश्चन में पूछा गया है 2021 और महिला पर्यवेक्षक वन रक्षक के क्षेत्र में भी क्वेश्चन में पूछा गया था, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि एक कागज के सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। मान लीजिएगा आप कागज को मोड़ दिया गया है और सीट में एक घन बनाया गया है, तो बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है इस प्रकार का तो आप लोग महिला परीक्षक में दो से तीन नंबर के ऐसे सवाल आप लोग बना पाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाते रहिएगा, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता हम आपको बताएंगे, लेकिन कमेंट करके बताइएगा आप सभी कि इसका आंसर कौन सा आएगा। सभी के सभी लोग कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक करना है, आप सभी को कह रहा हूँ बार बार, वीडियो को दो बार नहीं करना है दोस्तों, जो भी है यहाँ पर एक बार वीडियो को लाइक करना है और इस सभी का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए निम्न चित्र को मोड़कर एक घन बनाया गया, मान लीजिए कोई एक चित्र है उसको घोड़कर उसको एक घन बनाया गया, मोड़ दिया गया उस आकृति को, तो तीन के विपरीत फलक बताइए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आपके पीएससी एग्जाम में पूछा गया है, व्यापम के एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। कौन से एग्जाम में, पीएससी का और व्यापम के एग्जाम दोनों में पूछा गया है, यह आपके महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में और व्यापम के क्वेश्चन में पूछा गया है, तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ करा रहा हूँ, इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले समझिएगा कि तीन के विपरीत पूछा गया है, तो तीन के विपरीत कौन सा होगा, ऑप्शन ए एक
ऑप्शन बी 4, ऑप्शन डी 5, ऑप्शन डी 6। तो देखिए सबसे पहले इस आकृति को आप बनाना सीखिएगा, आपको पहले ही बताया हूं कि इसको कैसे बनाते हैं, कैसे आपको आकृति बनाना है, ठीक है। तो ये पासा है, तो देखिए कैसा आएगा, तो इसको ऐसे नहीं बनाना है, इसको ऐसे नहीं बनाना है। सबसे पहले क्या करना है आपको ध्यान से समझने का, एक का विपरीत कौन सा आ रहा है आपका 4, तो यहां पर आप लिख लीजिएगा एक के विपरीत कौन सा आएगा 4, उसी प्रकार दो का विपरीत कौन सा है 6। ये मैं बना रहा हूं, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग खुद ही समझ जाओगे। ये 3 बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है, इधर इसका भी बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा, यहां से इधर आएगा, क्या आएगा 3 का विपरीत 5। अब पूछा क्या गया यहाँ पर, 3 के विपरीत फलक बताइए, तो 3 के विपरीत फलक कौन सा है, आपका आंसर सी 5। अगर पूछता एग्जाम में 3 की जगह यहाँ पर पूछ लिया जाता 3 के विपरीत 6 के विपरीत बताइए पूछता, तो क्या बताएंगे, तो 6 के विपरीत पूछता तो 2 आंसर हो जाता, यहाँ पर नहीं दिया है, तो यहाँ पर देखिए अगर 6 के विपरीत पूछता तो आपको हो जाता 2। अगर यहाँ पर अगर 1 के विपरीत पूछ लिया जाए, 1 के विपरीत पूछ लिया जाए तो कौन सा ऑप्शन हो जाता, बी यानी कि 4। इस प्रकार क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, ये आपने समझ लिया बनाना, तो कोई भी आप लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए इसका कितने लोगों का आंसर आया कमेंट करके बताइएगा, रीता, गमेश, रानू, गीतांजलि, साहू, चलिए वेरी गुड, कितने लोगों का आया, 43 लोगों का आया आंसर, बाकी लोगों क्यों नहीं आया फिर कमेंट करके बताइएगा। चलिए ऑप्शन कौन सा दे रहे हैं, ऑप्शन सी या डी कौन सा है, ऑप्शन सी या डी कौन सा लगा रहे हो, चलिए बताइएगा, फिर से आप लोगों को थोड़ा समय दिया जा रहा है, एक बार अच्छे से समझिएगा और बताइएगा क्या आएगा, सी या फिर डी, सी कितने लोगों का आ रहा है, सी कितने लोगों का आ रहा है यहाँ पर, 38 लोगों का, 38 लोगों ना, सी 38 लोगों का आ रहा है और डी आपका 42 लोगों का आ रहा है, कैसे हो रहा है भाई, यहाँ पर कैसे समझ आ रहे हो। चलिए देखिए इसको, एक कागज की सीट को मोड़कर घन बनाया गया है, तो देखिए इसको मैं आपको बताया था कैसे सॉल्व करना, ये सब बना लिएगा, कौन कौन बनाया है इसको देखिएगा, क्या बनाया है इसका 2 का 1, चलिए 2 का विपरीत कौन सा होगा 1 और 3 का विपरीत 5, इतने लोग कौन कौन बनाया है बताइएगा, 4 का विपरीत कौन सा है, 4 का विपरीत आ जाएगा 6, 4 का विपरीत 6, कौन कौन ये बस टॉपिक बना चुके हैं ये बताइए पहले मुझे, ये कौन कौन इस प्रकार के बना चुके हैं, हाँ वेरी गुड। अब कैसे समझ में नहीं आया, 2 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 6, ऑप्शन देखिए ना, 5 का विपरीत 3 दिख रहा है नहीं होगा, 5 का विपरीत 3 दिख रहा है नहीं होगा, यहाँ पर जो छुपा हुआ है उसको हम निकालेंगे, पासा जैसे कि मान लीजिएगा पासा दिखता है ना आपको इस प्रकार का बनता है, ये देखिए ये मान लीजिएगा हम पासा बना रहे हैं, ठीक है, इसको देखिएगा समझिएगा एक मिनट ना, ये ठीक, मान लीजिएगा 3 तरह का पासा दिख रहा है, ये 1, 2 दिख रहा है, ये 3 है, मान लीजिएगा इसको हम 6 बना देते हैं, तो 6 के विपरीत कहीं दिख रहा है, बाकी कहाँ गया, बाकी जो छुपा है डायग्राम आपका इधर पीछे वाला भाग आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये आपका घन है क्यूब है उसमें आपको कोई पीछे वाला भाग दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, 2 के बाद क्या दिख रहा है, इधर कुछ पीछे वाला भाग दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पासे मान लीजिएगा पासे है, पासे में 3 ही दिखेगा आपको, 3 तरह का दिखेगा आपको, 1, 2, 3, ऊपर वाला भाग, साइड वाला भाग और ये वाला भाग, लेकिन नीचे वाला भाग आपको नहीं दिखेगा ना पीछे वाला भाग आपको नहीं दिखेगा, वही पूछा गया है कि एक घन में बताया तो बताइए इसका क्या आएगा। चलिए 3 का विपरीत 5 यहाँ पर देखिए 3, 4 का विपरीत 6 दिख रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 4 का विपरीत 6 है ऑप्शन नहीं होगा, सी देखते हैं, 4 का विपरीत 6 दिया है कहीं पर नहीं दिया है, 3 के विपरीत 5 नहीं दिया है, 2 के विपरीत 1 नहीं दिया है, ऑप्शन सी होगा, इसका आंसर सी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 के विपरीत 3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होगा, आंसर सी होगा, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए वेरी गुड, एक और क्वेश्चन देखते हैं आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा।
चलिए यह सवाल आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये आपके महिला पर्यवेक्षक एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा, तो बताइए जल्दी से यहाँ पर क्या आएगा। देखिए बताए इस निम्न चित्र को मोड़कर एक घन बनाया गया, मान लीजिए आपको मोड़कर एक घन बनाया गया है तो इसके विपरीत आपको फलक बताना है कि इसमें कौन सा डायग्राम में आपका आएगा जो छुपा हुआ है आपका, ये चारों ऑप्शन में कौन सा आएगा कमेंट करके बताइएगा। ये आपको बनाना आता है ना आपको, अभी मैं आपको सिखाया बेसिक तौर पर। हाँ चलिए कितने लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे भी लिंक दिया है एक और क्लास का, ये आपका अंतिम दाव है, आप प्रयास करके जाएगा अंतिम क्लास और शुरू क्लास। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को एक ही बार लाइक करना है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या डी क्या आ रहा है ऑप्शन कमेंट करके बताएं। देखिए आपको कैसे बनाना, आपको पहले ही बताया था, ये वाला ऑप्शन इस प्रकार आएगा, ए का क्या आएगा बी, ई का क्या आएगा आपका यहां से देखिए, ई का आपका क्या आएगा सी, ई का आपका क्या आएगा सी, ए का आपका आ जाएगा डी, ठीक है यहां तक किसको बनाना आ गया है, यहां तक कौन कौन बना लिए हैं। चलिए अब मिलाना कैसा है जो छुपा होगा, देखिए ए का डी कहीं पर दिख रहा है यहां पर नहीं होगा, ई सी कहीं पर दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, एफ बी कहीं पर दिख रहा है, एफ बी यहां पर दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा ऑप्शन सी। कितने लोगों का आ रहा है, एफ का बी कहीं पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ई का सी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ए का डी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी होगा। कितने लोगों का ऑप्शन सी आया है, कितने लोगों का ऑप्शन सी आया है कमेंट करके बताएं यहां पर। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है इतना, अगर क्वेश्चन आप पढ़ लिए समझ लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे, दो से तीन नंबर ऐसे ही प्रश्न पूछा जा रहा है, दो से तीन नंबर ऐसे ही प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ये वाला क्वेश्चन अगर आपने बना लिया दो से तीन नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो चाहे आप व्यापम पीएससी एसएससी बैंकिंग रेलवे जो भी एग्जाम की तैयारी करो क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक आपने समझ लिया क्लियर हो जाएगा। मान लीजिएगा पासा वाला क्वेश्चन पूछता है जिसमें देखिए ये आपका पास वाले एग्जाम में पूछेगा, ठीक मान लीजिए त्रिकोण वाला बना दिया है, इसमें कोई भी कुछ भी टाइप से पूछ देता है, ठीक है ये आपका मैं तीन टाइप का बना दिया। अब मान लीजिएगा यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः, अब दोनों में कंपेयर करना है, दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा आएगा, तो इसके विपरीत क्या आएगा, देखिए कौन सा पासा है ये बिल्कुल दोनों अलग ही पासा है, बनेगा नहीं, इसको कैसे बनाएंगे फिर। चलिए अब मान लीजिएगा इसको मैं चार कर देता हूं, अब कैसे बनेगा, चलिए देखिए यहां पर चार सेम दिख रहा है तो चार का आ जाएगा, चार लिख देंगे यहां पर, चार का क्या आएगा चार, यहां पर देखिए तीन का क्या आ जाएगा पांच, दो का क्या आएगा छह, बस तो पूछेगा अगर यहाँ पर तीन का विपरीत बताइए तो तीन का विपरीत कौन सा है पांच, अगर छह का विपरीत पूछ लिया जाएगा तो दो, चार के विपरीत तो सेम ही है, इस प्रकार बनेगा, ये तो पूछेगा नहीं, ये पांच वाला छह वाला पूछेगा एग्जाम में, इस प्रकार का डायग्राम आता है आपके महिला परीक्षक एसएससी बैंकिंग जो भी एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है कॉन्सेप्ट समझ लिया है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे मैथ्स।